रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। डियर चिल्ड्रेन, आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की हेल्प तो करते ही होगे, है ना? फ्रेंड्स की हेल्प भी करते होगे, और तो और आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करते हो। लाइकवाइज चिंकी द एंट एंड पिंकी द एंट भी अपनी मम्मा की हेल्प करना चाहती थीं। उन दोनों ने लाली द मदर एंट की हेल्प कैसे की, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं स्टोरी लालीज लिसन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन एंट एंड इट्स नेम वॉज लाली। उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, एकदम आपके जैसे प्यारे। ओह रियली मैम? यस, एज प्रिटी एज यू आर। एंड डू यू नो व्हाट वर देयर नेम्स? मैम क्या नेम्स थे उनके? नेम्स, देयर नेम्स वर चिंकी एंड पिंकी। क्या नेम्स थे उनके? चिंकी एंड पिंकी। अरे वाह, इट मींस यू आर लिसनिंग टू मी केयरफुली। ऐसे ही आप अपने सभी टीचर्स को ध्यान से सुनोगे ना? यस मैम। वेरी नाइस। चलो अब आगे की स्टोरी सुनाती हूँ आपको। चिंकी एंड पिंकी लिव्ड विद देयर मदर नियर अ ट्री। Every day, after eating breakfast, Lali, the mother ant, food search करने के लिए निकल जाती थी। उसको जो भी food items मिलते, वह उनको अपने house में store कर लेती। And whenever they felt hungry, they together ate stored food items. एकदम खुशहाल life थी उनकी। फिर क्या हुआ मैम? Then one day when Lali was going out in search of food, at the same time Chinky and Pinky भी माँ के पीछे पीछे बाहर आ गए। Lali को बाहर जाते देख दोनों ने माँ को बाय बाय किया और साथ में कहा Come back soon mama। तभी बोलते बोलते चिंकी और पिंकी की नजर पड़ोस की चींटियों पर पड़ी। पड़ोस वाली एंट भी अपनी पूरी फैमिली के साथ फूड सर्च करने निकली थी। एंड दे ऑल वर मूविंग इन अ रो, एकदम वैसी ही रो जैसी आप मॉर्निंग असेंबली में बनाते हैं। मैम प्रेयर के बाद क्लासरूम में भी हम लाइन अप होकर जाते हैं, और मैम हम लंच ब्रेक में लाइन से बैठकर ही लंच खाते हैं। दिस इज सो गुड, यू ऑल आर वेल डिसिप्लिन। वो सारी आंट्स भी बहुत डिसिप्लिन थी, एग्जैक्टली लाइक यू। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट मैम? फिर व्हेन चिंकी एंड पिंकी saw that neighboring ants अपनी मम्मा की हेल्प कर रही थी, they also thought of helping their mother। क्या आपको भी अपने मम्मा पापा की हेल्प करना अच्छा लगता है? Yes ma'am, I love to help my mother। और मैं हमेशा अपने छोटे भाई की हेल्प करती हूँ। Very good, We should always try to help others। फिर पता है चिंकी एंड पिंकी ने मामा एंट की हेल्प कैसे की? शायद वो दोनों भी मामा एंट के साथ फूड कलेक्ट करने के लिए जाने लगी हूँ। Am I right, ma'am? No. They wanted to go with their mother, but mama said no to them। उनकी मामा ने कहा कि थोड़े और बड़े हो जाओ, अभी इतनी दूर जाने और आने में बहुत टायर्ड हो जाओगी।
After hearing this, Chinky and Pinky got disappointed. Suddenly, Chinky got an idea. She thought कि क्यों ना हम घर के आसपास से ही फूड सर्च करके लाए, इससे हम टायर्ड भी नहीं होंगे एंड मम्मा की हेल्प भी हो जाएगी। बस फिर क्या था, दे वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड और तभी वो दोनों एक रैट के होल में पहुंच गईं। दे सॉ lots of food items there. सभी food items उन्होंने टेस्ट किए, जो टेस्टी लगा उसको तो पेट भर के खाया. On the way back, they carried some sweets with them too. आज तो चिंकी और पिंकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, because first time जो help की थी उन्होंने मम्मा की, then they were waiting for their mother to return. After a few minutes, they saw someone coming back. Bolo bolo, kaun wapas aaya hoga? The mother and Lali. Yes, Lali, the mother ant, came back with food grains for them. Jab lunch time hua, तो लाली ने देखा कि स्टोर में फूड ग्रेन्स के साथ साथ स्वीट्स भी रखी हुई थी। नाउ लाली अंडरस्टूड एवरीथिंग कि उसके जाने के बाद बच्चों ने कुछ तो गड़बड़ करी है। शी कॉल्ड हर किड्स इमीडिएटली और इंक्वायरी करनी शुरू की। फिर क्या था, चिंकी एंड पिंकी ने माँ को पूरी बात बताई। लाली बिकेम वेरी हैप्पी विद देयर ट्रूथफुलनेस और फिर उसने दोनों को प्यार से समझाया, वी शुड नॉट टच अदर्स थिंग्स विदाउट देयर परमिशन एंड वन मोर थिंग, कभी भी घर के एल्डर्स की परमिशन के बिना कहीं भी कभी भी नहीं जाना चाहिए, otherwise you may be in danger. After listening to this, Chinky and Pinky promised their mother ki mama ab se hum kabhi bhi aisi mistake nahi repeat karenge and we will always take your permission before starting any work. Yeh sunte hi maa ne dono ko gale se laga liya and they enjoyed their lunch together.